हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू वंशकार। मेरा नाम है शिवम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये इंडियन एसयूवी, इंडिया की टॉप मोस्ट सेलिंग एसयूवी विटारा ब्रेजा के बारे में। यह वीडीआई वेरिएंट है, डीजल वेरिएंट, जो कि 1.2 लीटर इंजन ऑप्शन में अवेलेबल है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। तो गाड़ी कुछ इस तरह से हमको दिख जाती है, इसका ब्रेजा जो कि काफ़ी अच्छी डिज़ाइन इसका लुकिंग मिल जाता है हमको। और यहाँ पर अगर इसके हेडलैम्प के बारे में बात करें तो कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन मिल जाता है, जो कुछ इस तरह से यहाँ पे पूरा क्रोम फिनिशिंग दी गई है विथ यहाँ पे ग्रिल्स के साथ क्रोम ग्रिल्स लगे हुए हैं। और यहाँ पे लोगो मिल जाता है एस का, सुजुकी का। और अगर नीचे इसके बात करें तो कुछ इस तरह से सिल्वर फिनिशिंग में इसका जो बम्पर दिया गया है, बम्पर में यहाँ पे जो ग्रिल्स दिए गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लुकिंग आती है गाड़ी का। और यहाँ पे टर्न से इंडिकेटर दिए गए हैं, यहाँ पे LED फॉग लैंप्स लगे हुए हैं। बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो कुछ इस तरह से इसका हमको लुकिंग देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मैसिव जो SUV, इंडियन SUV जो कि काफ़ी अच्छा, यहाँ पे मैसिव और एक प्रकार से स्क्वायर स्ट्रोक हमको देखने को मिल जाता है। बात करें इसके लेंथ के बारे में तो 3995 mm का हमको यहाँ पे लेंथ मिल जाता है। और यहाँ पे अगर विड्थ की बात करें तो 1790 mm का विड्थ मिल जाता है, साथ में 1640 mm का यहाँ पे हमको इसकी हाइट्स मिल जाती है। तो इस हिसाब से विटारा ब्रेजा काफ़ी एक प्रकार से देखने में बहुत अच्छी लुकिंग में हमको यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और साथ में अगर इसके ORVM की बात करें तो यहाँ पे हमको यहाँ पे ORVM मिल जाता है विथ क्रोम फिनिशिंग आफ्टर मार्केट। यहाँ पे एसेसरीज के थ्रू यहाँ पे लगवाया गया है, काफ़ी अच्छे यहाँ पे टर्न से इंडिकेटर यहाँ पे नहीं मिलते हैं, जो कि यहाँ पे फ्रंट यहाँ पे ये DDIS का बैजिंग दिया गया है, जो कि डीजल इंजन का ये DDIS का बैजिंग है। साथ में यहाँ पे टर्न से इंडिकेटर यहाँ पे ऑफर करे गए हैं। साथ में अगर इसके डोर हैंडल्स की बात किया जाए तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका डोर हैंडल दिया गया है, जो कि इसमें अगेन बॉडी कलर में रहता है, लेकिन यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग यहाँ पे किया गया है, सो काफ़ी अच्छा है। साथ में यहाँ पे भी, और साथ में अगर देखें इसमें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे साइड बीट जो नीचे लगे हुए हैं, आपको यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल जाएगी बम्पर में भी, और साथ में चारों तरफ आपको ये ब्लैक कलर के बीट्स दिए गए हैं। ये इस गाड़ी के लुकिंग को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं, और साथ में इसके सेफ्टी में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रोल अपना निभाते हैं। बात करें अगर इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में तो हमको यहाँ पे 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमको नॉर्मल स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं VDI इसमें। और अगर हम इसमें ZDI वगैरह में जाते हैं, ऊपर के मॉडल में और ज़्यादा जाते हैं, तो उसमें अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। और वहीं इसमें 16 inches के नॉर्मल स्टील व्हील्स मिलते हैं। दो टू अगर टायर प्रोफाइल देखें तो 205/60R16 के यहाँ पे टायर मिल जाते हैं। आइए बात करें अगर इसके रियर साइड प्रोफाइल के बारे में, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हमको इसका लुकिंग मिल जाता है, काफ़ी अच्छा यहाँ पे विटारा ब्रेजा का जो पीछे से इसका लुक है ना, काफ़ी अच्छे 3D लुक्स में जो टेल लैंप्स दिए गए हैं विथ इंडिकेटर्स के साथ में, जिसके लुक्स को काफ़ी इन्हेंस कर देते हैं। और कुछ यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग आफ्टर मार्केट ये दिया गया है। साथ में यहाँ पे कंपनी से यहाँ पे ये विटारा ब्रेजा का जो ये सिल्वर फिनिशिंग का यहाँ पे ये मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। और सुजुकी की यहाँ पे लोगो मिल जाता है। नीचे में यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर्स वगैरह मिल जाते हैं विद क्रोम फिनिशिंग, और यहाँ पे भी जो पूरे चारों तरफ बीट्स लगे हुए हैं मिल जाते हैं, जो कि इसके लुक को काफ़ी अच्छा बना देते हैं। और ऊपर अगर स्पॉयलर जो ये दिया गया है, काफ़ी अच्छे देखने में भी लगता है, लुक भी काफ़ी अच्छा इसका आता है। साथ में यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह से रहा इसका रियर साइड प्रोफाइल। और बात करें अगर हम इसके बूट स्पेस के बारे में, तो कुछ इस तरह से इसका बूट स्पेस है। यहाँ पे हम इसको अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इसका बूट ओपन हो जाता है, और देखने में ही काफ़ी अच्छा बूट स्पेस इसका लग रहा है। सो 328 liter का यहाँ पे हमको बूट स्पेस ऑफर किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सामान से यहाँ पे रख सकते हैं हम। और कुछ इस तरह से इसका स्पेयर व्हील से यहाँ पे अंदर दिया गया रहता है, तो इसको ओपन करने के लिए यहाँ पे कुछ इसको हम अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे टायर और स्पेयर व्हील्स वगैरह यहाँ पे मिल जाते हैं रखने का सामान। ये चलते देखते हैं इसके इंजन कैसा दिख रहा है, क्या परफॉर्मेंस। नट ओपन करने के लिए यहाँ से हम इसको पुल करते हैं, और पुल करने के बाद हम तो
गाइस कुछ इस तरह से इसका इंजन का बोनेट ओपन करने के बाद यहाँ पे लुक्स देखने को मिल जाता है। 2019 मॉडल VDI ब्रेजा है, तो कुछ इस तरह से इसका देखने को मिल जाता है हमको। सारे जो कि कंपनी फिटेड जो स्टिकर्स हैं, जो कि सारे एप्रॉन वगैरह हैं, सारे चीज़ ओरिजिनल यहाँ पे दिख रही है। आप सारे अच्छे से आप कैमरा में वीडियो में देख रहे होंगे स्क्रीन में। तो VDI के यहाँ पे लोगो दिखा रहा है, जो कि डीजल इंजन 1.2 लीटर का डीजल इंजन यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैक्सिमम पावर जनरेट करता है 89 BSP के मैक्सिमम पावर विथ 200 Nm के टॉर्क के साथ इसका परफॉर्मेंस हमको मिल जाता है। आइए हम बात करते हैं इसके ओवरऑल इंटीरियर्स के बारे में, तो हमें क्या मिलने वाला है। सबसे पहले हम ड्राइवर साइड डोर के बारे में बात करते हैं, तो कुछ इस तरह से हमको इसका डोर हैंडल्स मिल जाता है, और जो कि सारे इंटीरियर्स पूरा ब्लैक फिनिशिंग में दी गई है, तो जो कि इसके लुकिंग को काफ़ी स्पोर्ट्सी और इन्हेंस कर देता है। और साथ में अगर चारों पावर विंडोज हम यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, और लॉक अनलॉक का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है। तो चलिए बैठ के बात करते हैं क्या चीज़ें और खास चीज़ें। तो गाइस कुछ इस तरह से रहा इसका ओवरऑल इंटीरियर, देख रहे होंगे। बैठने में अगर कंफर्ट की बात की है तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट है, यहाँ से हम उसको हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, सीट को आगे पीछे कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से अपना हाइट एडजस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी रही अगर सीट के कंफर्ट की बात की जाए, तो ब्रेजा में जो भी सीट्स यहाँ पे दी गई रहते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंफर्ट रहता है। कुशनिंग की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा इसका कुशनिंग है, लगभग 2 साल पुरानी गाड़ी है, तो कुछ हिसाब से बहुत अच्छा है यहाँ पे है। अंदर साइड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है। SUV की जो फीलिंग है ना, वो इस गाड़ी में आती है बैठने के बाद ही। ओवरऑल हम डैशबोर्ड अगर देखें तो ब्लैक फिनिशिंग में भी थे यहाँ पे, सिल्वर फिनिशिंग में कुछ चीज़ें यहाँ दी गई हैं, जो कि इसके काफ़ी अच्छा स्पोर्ट्सी लुक बना देता है। इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो कुछ इस तरह से यहाँ पे इन्फोटेनमेंट सिस्टम इसका दिया गया है, जो यहाँ पे इसके ट्यूनिंग का ऑप्शन है, और साथ में ये देख कुछ इस तरह से इसका यहाँ पे वॉल्यूम ऑप्शन मिल जाता है। बात करें अगर इसके एसी वेंट्स के बारे में, तो काफी अच्छा इसका लुकिंग जो ब्रेजा का विटारा ब्रेजा का एसी वेंट्स दिया गया है काफी अच्छा है। तो स्टार्ट कर लेते हैं और इसका वॉइस सुनिए, आपको बिल्कुल भी बाहर से ज्यादा डीजल इंजन है, थोड़ा सा होता है लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा वॉइस नहीं आ रहा है। और एसी को हम अगर ऑन करें तो कुछ इस तरह से इसके एसी कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए रहते हैं, जो कि मारुति के हिसाब से देखने में मिल जाते हैं। और यहाँ पे AC का हम ऑन कर देते हैं, AC वेंट्स कुछ इस तरह से हमको मिल जाता है, चारों यहाँ पे चार AC वेंट्स हमको मिल जाते हैं। ब्रेजा का अगर बिल्ड क्वालिटी देखा जाए, तो ब्रेजा ने मारुति काफी अच्छा सुधार किया है अपने 2016 में जो ब्रेजा को यहाँ लॉन्च किया, तो काफी अच्छा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी सुधार हुआ है। जैसे S-Cross और ब्रेजा में लोगों का मानना है कि एक माइंडसेट बना हुआ है कि मारुति की जो बिल्ड क्वालिटी रही है काफ़ी पुअर रही है। सो ब्रेजा में एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी कि बहुत अच्छा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी सुधार हुआ है। आप बिल्कुल भी जब इसको यूज़ करते हैं ना, तो लग जाता है यहाँ अच्छा प्रोडक्ट्स हमें मारुति ने दिया है। USB और AUX का ऑप्शन मिल जाता है, 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जर सॉकेट मिल जाता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर लीवर यहाँ पे जो दिया गया है काफ़ी अच्छा लुकिंग, छोटा सा अच्छा देखने में लगता है। और ये यहाँ पे हैंड ब्रेक्स मिल जाते हैं, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, फिर थोड़ा सा जगह यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा पॉकेट रखने का या कुछ सामान रखने का यहाँ भी हमको जगह मिल जाता है। और वहीं बात करें इसके बॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे नीचे ग्लव बॉक्स दिया गया है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, यहाँ पे चीज़ें हम रख सकते हैं काफ़ी कुछ सामान। और यहाँ पे ऊपर भी कुछ हमको ग्लव बॉक्स दिया गया है, छोटा सा कुछ सामान यहाँ भी हम आ सकता है, तो स्पेस काफ़ी अच्छा है ब्रेजा में। काफ़ी स्मूथ स्टेयरिंग, पावर स्टेयरिंग हमको यहाँ पे ऑफर करी गई है विथ एयर बैग के साथ, यहाँ पे SRS एयर बैग्स मिल जाते हैं ड्राइवर को, और साथ में को पैसेंजर को भी। यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो एयर बैग्स वहाँ भी मिल जाते हैं, और इस गाड़ी में ABS भी हमको ऑफर किया गया है। सो कुछ इस तरह से मिल जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं, आफ्टर मार्केट में यहाँ पे लगवा सकते हैं विथ यहाँ पे सुजुकी की यहाँ पे वॉइसिंग मिल जाती है, और यहाँ पे वाइपर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और राइट साइड में यहाँ पे हमको इसके लाइट्स कंट्रोल मिल जाते हैं। सो कुछ इस तरह से इसका रहा, और यहाँ पे हेडलाइट्स लेवलर वगैरह मिल जाते हैं। ORVM की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल यहाँ पे ORVM हमको मिल जाते हैं, जो कि मैनुअल एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो उसका ऑप्शन यहाँ राइट साइड में नीचे इधर दिया गया रहता है। तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ये ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और कुछ इस तरह से रहा इसका अगर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, तो कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा इंस्ट्रूमेंट
क्लस्टर हमको देखने को मिल जाता है, जो कि इग्निशन हमने ऑन किया हुआ है। कुछ काफ़ी प्यारा एसयूवी का जो ये ब्रेजा का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है हमको मिल जाता है विद एमआईडी स्क्रीन के साथ में। यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हमको शो कर रही होती हैं। और यह गाड़ी 30,463 किलोमीटर अभी चली हुई है, 2019 के हिसाब से काफ़ी अच्छी रनिंग भी है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी बहुत ही प्यारी कंडीशन में है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह गाड़ी सेल के लिए भी अवेलेबल है, इसको हमको बेचना भी है, मैं इसको चाह रहा हूँ कि सेल कर दूं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे डिटेल्स दिए गए रहते हैं, वहाँ से आप जाके हमको फॉलो करिए, इंस्टाग्राम में आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यह गाड़ी लेने के लिए। अगर आप रायपुर में छत्तीसगढ़ में हैं तो बिल्कुल आके आप एक अच्छा सा टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। सो गाइस ओवरऑल यहाँ पे कुछ रियर कैबिन आप देख सकते हैं, कैबिन काफ़ी अच्छा बड़ा सा हमको एसयूवी लुक में मिल जाता है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, तीन लोग आराम से हम बैठ सकते हैं यहाँ पे। आप देख रहे होंगे अगर आपकी हाइट भी कितनी भी क्यों ना हो काफ़ी अच्छा, इसका रूफ टॉप भी आप देख रहे हो, रूफ भी काफ़ी अच्छा ऊंचाई पे है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं दोनों साइड में, और विथ यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे ट्रक पावर कंट्रोल्स के दोनों तरफ पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इधर भी हमको कुछ मैगजीन वगैरह रखने के स्थान मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर या मैगजीन रख सकते हैं। ओवरऑल अगर बात करें इसके कैबिन के तो काफ़ी अच्छा लुकिंग है, यहाँ पे हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे ऑफर किए गए हैं चारों सीट्स में, नटराइट सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है इसमें। सो कुछ ओवरऑल कुछ इस तरह से विटारा ब्रेजा का रिव्यू वीडियो रहा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी गाड़ी का वीडियो आप रिव्यू वीडियो देखना चाह रहे हैं यह जरूर बताइएगा। तो हाइट के अनुसार यहाँ पे हमको हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल हेडरेस्ट यहाँ पे ऑफर किए गए हैं चारों सीट्स में हमको मिल जाते हैं। तो किस तरह से इसे कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है, अंदर हाइट सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है, स्पेस भी है, यहाँ पे लेग रूम भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। सो कुछ ओवरऑल कुछ इस तरह से विटारा ब्रेजा का रिव्यू वीडियो रहा, और यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कौन सी गाड़ी का वीडियो आप रिव्यू वीडियो देखना चाह रहे हैं यह ज़रूर बताइएगा। और कुछ सिनेमेटोग्राफी लुक्स हम गाड़ी का भी आपको दिखाएंगे, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे ही कई सारी गाड़ियों का वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ, और जिसमें कई सारी गाड़ियाँ सेल करने के लिए नहीं रहती हैं, बाकी ज़्यादातर गाड़ियाँ हमारे पास सेल करने के लिए भी अवेलेबल रहती हैं जो कि छत्तीसगढ़ रायपुर में है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दोस्तों विटारा ब्रेजा वीडीआई का यह रहा रिव्यू वीडियो जो कि 2019 मॉडल है। सो यह वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, यह गाड़ी सेल के लिए अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो चलते हैं, थैंक यू सो मच।